ध्यान के बहुत सारे अर्थ होते हैं। कल शाम को चर्चा हुई थी, ध्यान का अर्थ है जागरूकता, सावधानी। हर समय जागरूक, सावधान। सावधानी हटी दुर्घटना घटी। हर आदमी को सोचना चाहिए कि मेरे मन में विकार कब कब आते हैं। मन में विकार तभी आते हैं जब हम जागरूक सावधान नहीं रह जाते। पूरा जागरूक हो मन, सावधान हो, तो विकार क्यों आएंगे? सावधानी हट जाती है, ध्यान बढ़ जाता है, मन पूर्व अभ्यस्त विकारों में बहना शुरू कर देता है। थोड़ी सा सावधानी हुई, विकार आए, दुर्घटना घट गई, चंचल हो गया मन। निरंतर सावधान, अपने मन पर निगरानी करते रहना कि मेरा मन क्या सोच रहा है। विकारी बातें तो नहीं सोच रहा है, नकारात्मक बातें तो नहीं सोच रहा है, और यदि सोच रहा है तो तुरंत उससे हटाकर सकारात्मक बातों में ज्ञान विवेक विचार आत्मचिंतन के बातों में लगा कर रखें। काम करते हुए यदि मन ज्ञान विवेक विचार आत्मचिंतन की बातों में लगा हुआ है तो आपका काम करना मानो ध्यान बन रहा है। व्यवहारिक जीवन में यदि नकारात्मक चिंतन ज्यादा चल रहे हैं, मन विकारी बना हुआ है, तो आप जब अभ्यास में बैठोगे तो ध्यान नहीं लगेगा। एक भूमिका तैयार करनी पड़ेगी ना, तो ध्यान है जागरूकता। ध्यान का व्यावहारिक अर्थ है मन की एकाग्रता। क्यों दुखी होते हैं हम? दुख का कारण क्या है? मन की चंचलता। मन चंचल ना हो, स्थिर शांत हो, तो जीवन में दुख का कोई प्रसंग ही नहीं आएगा। और यदि मन चंचल बना हुआ है तो आप कभी सुख का
अनुभव नहीं कर सकेंगे। किसी भी विषय में सुख का आभास तभी होता है या अनुभूति तभी होती है जब मन एकाग्र होता है। चंचल मन में कभी सुखानुभूति नहीं होगी। बड़ा सा बड़ा भोग मिल जाए आपको, चंचल बना है मन, कभी आपको उसमें सुख का अनुभव नहीं होगा। और मन शांत है, बिना किसी बाहरी विषय भोग पदार्थ के आप सुख का आनंद का अनुभव कर सकते हैं। इसको समझने के लिए एक सरल उदाहरण हम ले सकते हैं, बहुत सरल, जो हर किसी के समझने में आ जाए। जैसे किसी आदमी को मिठाई खाने की आदत है, वह कहता है कि अमुक प्रकार की मिठाई, मान लो बंगाली रसगुल्ला है, कहता है कि बंगाली रसगुल्ला मिलता है तो मैं सब कुछ भूल जाता हूँ, बंगाली रसगुल्ला खाने में मुझे बड़ा आनंद आता है, उसके जैसा आनंद तो मुझे और कहीं जान पड़ता ही नहीं है। उसके मित्र ने कहा, ठीक है चलो आज मैं तुम्हें रसगुल्ला खिलाता हूं। मित्र गया बाजार, 1 किलो रसगुल्ला खरीद करके ले आया और कहा कि लो खाओ, जितना खा सकते हो, खा लोगे तो और खरीद कर ले आऊंगा। वह आदमी देखा रसगुल्ला, बड़ा खुश हुआ, आज तो छक्कर रसगुल्ला खाने को मिलेगा, बड़ा आनंद आएगा। एक रसगुल्ला उठाया, मुंह के पास ले गया था, बस उसी समय किसी ने आकर कह दिया, तेरा बेटा कुआं में गिर गया है, आनंद आएगा? जैसे सुना कि बेटा कुआं में गिर गया है, चित चंचल व्याकुल, अब रसगुल्ला का आनंद खत्म। अब मित्र कहता है कि मैंने मेहनत किया, पैसा खर्च किया और तुम बिना खाए जा रहे हो रसगुल्ला, तुम्हें खाना पड़ेगा। अब रसगुल्ला खाने में दुख, आनंद तो गया खत्म, दुख आ गया। क्यों? जब तक चित एकाग्र था तब रसगुल्ला खाने में आनंद आता है, अब चित चंचल हो गया क्योंकि बेटा कुआं में गिर गया है, व्याकुल हो गया है, इसलिए अब रसगुल्ला खाने में दुख। कोई आदमी कहता है मुझे सिनेमा देखने में बड़ा आनंद आता है, सिनेमा हॉल में जाता हूँ, सिनेमा शुरू होता है, मैं सब कुछ भूल जाता हूँ, देश दुनिया सब कुछ। मित्र ने कहा, चलो अमुक टाकीज में बड़ी अच्छी फिल्म लगी हुई है, बड़ा मजा आएगा। दोनों गए, अंदर बैठे, सिनेमा बस फिल्म शुरू होने वाली थी, वैसे घर से फोन आ गया कि घर में आग लग गई है, आनंद आएगा? घर में आग लगी, चित व्याकुल चिंतित, अब कितना बढ़िया से बढ़िया सिनेमा हो, आनंद नहीं आएगा।
और यदि ये कह दिया जाए कि सिनेमा हॉल में जो एक बार चला गया अंदर उसे 3 घंटे तक बिल्कुल बाहर निकलना नहीं चाहे जितनी बड़ी घटना हो जाए, बैठा तो रहेगा लेकिन आनंद नहीं आएगा, दुख से मन भरा रहेगा, क्यों? चित चंचल हो गया है। तो जब चित चंचल होता है तो दुनिया का बड़ा सा बड़ा भोग आपको आनंद नहीं दे पाएगा। और चित एकाग्र है, शांत है, संयत है तो आपको किसी की आवश्यकता नहीं, आप अपने में आनंदित। तो ध्यान मन की एकाग्रता, कंसंट्रेशन ऑफ माइंड, ये व्यवहारिक रूप में हम कह सकते हैं। गुरुदेव जी ने लिखा है एक जगह, मन की एकाग्रता एक ऐसी कुंजी है जो हमारे भीतर अनंत शांति के भंडार को खोल देती है। ध्यान मन की एकाग्रता। एकाग्र का अर्थ क्या होता है? एक अग्र, एक मतलब अकेला, अग्र अर्थात सामने, मन के सामने एक विषय का होना। जैसे कुछ देर पहले हमने कहा था कि सांस को देखना है, एक विषय लिए बाकी भूल गए कि बस सांस आ रही है जा रही है उसी को देखते रहे, एकाग्र हो गया मन, एक पास ध्यान लग गया, बाहरी बात भूल गए। तो मन की एकाग्रता ध्यान का व्यवहारिक स्वरूप, यहां से शुरुआत होती है ध्यान की। चंचल मन में ध्यान थोड़े लगेगा, एकाग्र पहले। ध्यान पूर्ण जागरूकता, वर्तमान में होना, इसको हम एक परिचित उदाहरण से और समझ सकते हैं। उदाहरण के माध्यम से बात जल्दी समझ में आती है। सिर सीधा रख करके बैठे सब, सिर झुका करके नहीं, अलर्ट होकर के बैठे जो बैठ रहे हैं। पूर्ण जागरूकता, वर्तमान में होना, ध्यान। उदाहरण ले, जैसे आपके पास कोई वाहन है, चार पहिया गाड़ी है, आप गाड़ी में बैठे, चाबी लगाए, गाड़ी चालू हो गई, लेकिन आपकी गाड़ी चालू होने के बाद भी न्यूट्रल गियर में है, गाड़ी कहाँ जाएगी, आगे या पीछे? इंजन से गाड़ी चालू होने की आवाज आ रही है, गाड़ी में कंपन हो रहा है, लेकिन गाड़ी न्यूट्रल गियर में है, ना आगे जाएगी ना पीछे जाएगी, जहां की तहां खड़ी रहेगी, आप एक्सीलेटर दबाते रह जाओ। और जब आप गियर आगे पीछे करेंगे, चाहे रिवर्स चाहे पहला दूसरा, तो गाड़ी आगे पीछे जाएगी। ऐसे ही अपने मन की गाड़ी को न्यूट्रल गियर में रखें, वर्तमान में रखें, न भूत की याद करें न भविष्य की कल्पना करें। भूत की याद आपकी मानसिक गाड़ी रिवर्स गियर में चली गई। अब सोच रहे हैं ऐसा हुआ था, वहां गया था, उन्होंने मुझे ये कहा था, अमुक चीज अमुक खाया था, अमुक काम किया था, सोच रहे हैं,
रिवर्स गियर में अभी गाड़ी पीछे दौड़ती चली जा रही है, उससे बोला अरे पुरानी बात है, भविष्य के लिए कल्पना करने लगे, चिंता करने लग गए, फिर दौड़ रही आपकी गाड़ी। न भूत न भविष्य, केवल वर्तमान में होना, केवल वर्तमान में होना, केवल वर्तमान में हो, ये ध्यान है। और वर्तमान में होने का अर्थ है अपने आप में होना, स्वयं में होना। क्या हम अपने आप में जीते हैं? अपने में हम कहाँ जीते हैं? देह भाव में जीते हैं, काम भाव में, लोभ भाव में, मोह भाव में, क्रोध भाव में, अहंता ममता के भाव में जीते हैं। सब समय तो बाहर बह रहा है मन, चाहे भूत की बात सोचो चाहे भविष्य की बात सोचो, प्राणी और पदार्थ, अनात्म वस्तुओं के चिंतन में मन डूबा होता है। वर्तमान में होने कर अपने में जीना, अपने में आत्मभाव में होना। ये सोचना होगा, समझना होगा, हमारा जो आपा है, हमारा आत्मस्तित्व है, वह सदैव वर्तमान होता है, न वो भूत होता है न भविष्य होता है। क्या आपका आपा, आपकी चेतना, आपका स्वरूप भूत था तो वर्तमान में कैसे है? कहीं भविष्य होगा तो अभी आप क्यों है? आपका होना सदैव वर्तमान होता है, और वर्तमान में होने का अर्थ अपने में जीना, अपने में होना, ये ध्यान है। ध्यान का अर्थ है अपने में होना, अपने में लौट आना। ध्यान का अर्थ है कुछ न करना, लेकिन कुछ न करने का अर्थ क्या है? हाथ पैर बटोर कर निकम्मा आलसी बन करके बैठ जाना, ये ध्यान नहीं है। आप हाथ पैर बटोर कर बैठ जाएं, एक घंटे में आप बहुत कुछ कर सकते हो, एक घंटे में बहुत कुछ कर सकते हो। और एक ऐसा आदमी है जो दिन भर दौड़ रहा है, ये काम वो काम वो काम, लेकिन दिन भर दौड़ने के बाद भी वो कुछ नहीं करता। आप कहेंगे कैसे हो सकता है? कुछ न करने का अर्थ है मन का कुछ न करना। हम बैठ तो गए आसन मार करके, आंखों को बंद कर लिए, लेकिन मन मन क्या कर रहा है? क्या मन भी बैठा है? मन का बैठना, और मन का बैठने का मतलब, कुछ न करने का मतलब है कोई बात न सोचना। हम लोग यहां ध्यान करने के लिए आए हैं ना, लेकिन ध्यान कुछ न करना ध्यान है। भले हम लोग ध्यान करने बैठे हैं, लेकिन न करना ध्यान है, न करना मन का न करना, शांत न सोचना। इसी के लिए महर्षि कपिल ने कहा था, ध्यानम निर्विषयम मन, ध्यान है मन का निर्विषय हो जाना, विषय पदार्थ, पदार्थ
शरीर हो सकता है, मकान दुकान गाड़ी घोड़े रुपये पैसे जमीन जायदाद खाने पीने की वस्तुएं कपड़े लत्ते सब पदार्थ है ना। जरा सोचें, बिना किसी पदार्थ का सहारा लिए आप कुछ सोच सकते हो? कल्पना करोगे तो कल्पना किसी करोगे? पति पत्नी माता पिता बेटे बहू घर द्वार पदार्थ आया ना, गद्दी महंती गुरुवाई पदार्थ आया, रुपया पैसे पदार्थ आया, सब कुछ तो पदार्थ है। पदार्थ जीवन निर्वाह के लिए जरूरी है तो व्यवहार काल में उसके बारे में सोचना पड़ेगा ही, लेकिन जब अभ्यास में बैठे तब कोई चिंतन नहीं करना होगा। ध्यान के दो रूप हैं, एक व्यवहारिक और एक अभ्यासिक। व्यवहार काल में जीवन निर्वाह धंधा करते हुए, लोगों से प्रेम व्यवहार सेवा करते हुए, कर्तव्य का पालन करते हुए, मन का निर्विकार रहना, काम धाम कर रहे हैं, विकार ना आने पाए मन में, तो काम करते हुए आप ध्यान कर रहे हो। काम करते करते भी ध्यान हो रहा है यदि विकारी भाव नहीं है, काम भाव, क्रोध भाव, लोभ भाव, ईर्ष्या घृणा का भाव, मोह भाव, राग द्वेष का भाव, अहंता ममता का भाव, कोई विकार नहीं मन में, तो जो आप कर रहे हो सब ध्यान है। इसी के लिए सदगुरु कबीर ने कहा, जहां जहां डोलू सो परिक्रमा, जो कुछ करो सो पूजा, जो कुछ करो सो पूजा, मेरा हर करना पूजा बन गया है, क्योंकि अब मन निर्विकार निर्मल हो गया है, तो ध्यान ही है। तो व्यवहार काल में मन का निर्विकार होना ध्यान है। अभ्यास काल में जब साधना में बैठे तब मन का निर्विचार होना, बस एक अक्षर का अंतर है। व्यवहार काल में निर्विकार, अभ्यास काल में निर्विचार। निर्विचार जैसे कहा कि थॉटलेस मन, कोई विचार नहीं, कोई संकल्प नहीं, कुछ याद नहीं, कोई चिंतन नहीं, ये दशा अभ्यास से आएगी। निर्विचार मन के लिए निर्विकार मन की आवश्यकता होगी, मन वही होगा। जब तक मन निर्विकार नहीं होगा, एकाग्र नहीं होगा, तब तक हम कितना भी अभ्यास करते रहें, मन निर्विचार नहीं होगा। मन का निर्विकार होना एक भूमिका है, मन का एकाग्र होना एक भूमिका है, और यह काम हम नहीं करते। मन निर्विकार कैसे बने, कभी आपने सोचा है? कल्पना करें, अपने बीते जीवन का विहंगावलोकन करें, साल भर में कितने बार आपके मन में ख्याल होता है कि मेरा मन विकारहीन निर्विकार कैसे बने? कोई चेष्टा ही नहीं है ना, थोड़ी थोड़ी बातों के लिए मन विकारी बनता रहता है, राग में, द्वेष में, अहंता ममता में, और पता नहीं किस किन किन विकारों में बहता रहता है मन। और शिकायत करते हैं, साहेब मन ध्यान में बैठते हैं मन रुकता नहीं है, ये पापी भाग जाता है,
पापी तो आपने बनाया ना अपने मन को, पापी हमने बनाया अपने मन को गलत बात सोच सोच करके, विकारी भावनाओं में डुबा डुबा करके। तो पहले जीवन निर्वाह का काम धाम सारा करते हुए, सेवा कर्तव्य पालन करते हुए ये सावधानी रखना है कि मेरा मन विकारी भाव से हटकर विकारहीन निर्विकार कैसे बने। इस चेष्टा में है तो आप काम धाम करते हुए ध्यान कर रहे हैं, और जब ये दशा आ जाएगी तब अभ्यास जब करेंगे तब मन निर्विचार हो जाएगा। वही है कुछ न करना। उसी के लिए महर्षि कपिल ने कहा ध्यानम निर्विषयम मन, मन का निर्विषय हो जाना ध्यान है। पूरी तरह से जागरूक, कुछ ना सोचे, सोचने में ही सारा दुख है। न सोचे कौन दुख, न सोचने में दुनिया, न सोचने में आत्मा परमात्मा भगवान कह लो। सोचे ख्याल करें, जब आप शयन करते समय गाढ़ी नींद में चले जाते हैं, एकदम प्रगाढ़ निद्रा, उस समय कोई दुख होता है आपको? गाढ़ी नींद में कोई दुख नहीं। क्यों? कि उस समय आपको किसी प्रकार का कोई ख्याल नहीं है, शरीर का ही ख्याल नहीं है, कहां सो जा हूं इसका ही ख्याल नहीं है, सारे ख्यालात विलीन हो गए, अपने आप में विलीन हो गए, अपने आप में पहुंच गए, प्रगाढ़ शांति दशा में आ गए, आनंद के सागर में निमज्जन कर रहे हैं आप। तो जैसे गाढ़ी नींद में पूरी दुनिया भूल जाती है, दुनिया अपनी जगह पर है, लेकिन गाढ़ी नींद में हमें कुछ याद नहीं है, दुनिया हमारे लिए समाप्त हो गई है उस समय। ठीक इसी दशा को हमें जागते जागते अनुभव करना है, यहां पहुंचना है, साधना है। बैठे देखते गए मन को, देखते गए देखते गए, और धीरे धीरे करते करते मन को निर्विचार बना दिया, दुख खत्म, अपने आप में पहुंच गए। हाँ, इसके लिए लंबे अभ्यास की आवश्यकता होगी। पूरी सजगता के साथ जीवन जीना होगा। तो ध्यान है कुछ न करना, कुछ ना करने किए शांत मन, ध्यान हो गए। हमारा जो जीवन है इसके चार स्तर हैं, चार तल, चार परत हैं। शरीर, मन, हृदय, चेतना। शरीर के स्तर पर, शरीर के तल पर हम कुछ करते हैं काम धाम, खाना पीना या कुछ और, जो कुछ भी करना, मतलब इंद्रियों का व्यवहार। इंद्रियों के व्यवहार में लगे रहना, ये शरीर के स्तर पर जीना है, यहां करना है। लेकिन हर समय हम करते नहीं हैं, इंद्रियों को बटोर लेते हैं, देखना बंद कर देते हैं, सुनना बंद करते हैं, खाना बंद करते हैं, सूंघना बंद कर देते हैं, चलना फिरना बंद करते हैं,
हर समय आदमी कहाँ काम करता है। पहला जो शरीर के स्तर है वहां तो कर रहे हैं, लेकिन उससे ऊपर मन का स्तर है, वहां करना नहीं होता, वहां सोचना होता है, चिंतन, विचार, ख्याल, याद, स्मरण, संकल्प, ये सब समानार्थी जैसे हैं। जब शरीर स्तर से ऊपर उठकर हम पहुंचते मन स्तर पर, तो वहां सोचना होता है, चिंतन विचार होता है, इसकी भी जरूरत होती है। लेकिन जब हम कुछ करते होते हैं तो अपने में नहीं होते, बाहर होते हैं, दुनिया में होते हैं, उससे ऊपर उठ गए, सोच रहे हैं तो भी अपने में नहीं है, दुनिया में है। उस समय जरूरत है सोचने की, कुछ ख्याल करने की, संकल्प करने की जरूरत है, लेकिन फिर भी दुनिया में हम हैं, सोचना है जरूर। इससे ऊपर हृदय, वहां भावना है, वहां श्रद्धा है, भावना की भी आवश्यकता होती है। आप सोच रहे हो, बोल रहे हो, उसमें भावना कैसी है? भावना गलत तो हमारा सच बोलना भी गलत हो जाएगा, हिंसा बन जाएगा। और भावना यदि हमारी शुद्ध है, पवित्र है, तो कभी झूठ बोलना भी सच बन जाएगा, अहिंसा बन जाएगा। मैं झूठ बोलने के लिए कह नहीं रहा हूं, भावना कैसी है? किसी की जान बचाने के लिए आप झूठ बोल गए, तो वहां भावना आपको पवित्र है ना, इस आदमी की रक्षा हो, भले झूठ बोला आपने, लेकिन भावना क्या है? भावना शुद्ध है, वहां पर पवित्र भावना है, दुख देने की भावना नहीं है। आपने सच तो बोला, लेकिन आपके सच बोलने में किसी का अपमान करना है तो सच बोलना भी हिंसा बनेगा, क्योंकि उद्देश्य आपका गलत, भावना आपकी गलत। अब भावना हृदय से होती है, एक कहने तरीका, हृदय तो खून की सफाई करने वाले एक यंत्र है, लेकिन कहा जाता है हृदय। शरीर स्तर पर करना, मन के स्तर पर सोचना, हृदय के स्तर पर भावना, लेकिन इन तीनों से ऊपर चेतना के स्तर है, वहां ना करना है, ना सोचना है, ना भावना है, वहां सिर्फ होना है, टू बी एग्जिस्टेंस, वहां होना है। और होना अपने आप में है, आत्मा में है, ध्यान उसी वही चेतना में पहुंचना है, होना है बस, केवल होना और कुछ नहीं। ये बात जल्दी समझ में नहीं आएगी, जितना हम चिंतन की गहराई में जाएंगे, मन को एकाग्र करेंगे, अभ्यास करेंगे, तब बात समझ में आएगी। तो ध्यान क्या है? चेतना में होना, चेतना का मतलब है होना, बस मात्र होना। वहां क्या और क्यों और कैसे के प्रश्न खत्म है, मात्र होना। हम है ना, अपने होने में कभी किसी को भ्रम है? अपने होने में कभी किसी को भ्रम तो है ही नहीं। मात्र अपनी चेतना में हो जाना, चेतना में लौट आना ध्यान है। जैसे सूर्यास्त के समय सूरज की किरणें सूरज में लौट आती है, ऐसे ही अपने मनोवृत्तियों को बाहर से समेटकर अपने में लौटा लेना, लीन कर लेना, अपने में चले गए, बस ध्यान हो गया। तो शुरुआत में सावधानी ध्यान है, मन की एकाग्रता ध्यान है, वर्तमान में होना ध्यान है,
अपने आत्मा में लौट आना ध्यान है, कुछ ना करना सोचना ध्यान है, और अंततः गत्वा मात्र होना ध्यान है। उस होने की दशा में पहुंचने के लिए, आत्मलीन होने के लिए ही ध्यान का अभ्यास, एक उसी अभ्यास करने के लिए हम लोग यहां एकत्र हुए हैं। लेकिन मैंने कहा यह दशा समय साध्य और श्रम साध्य है, बेसाध्य नहीं है। इसमें पैसा नहीं लगेगा, थोड़ा समय लगेगा और श्रम लगेगा, मेहनत भावना पूर्वक निश्चयता के साथ, दृढ़ता पूर्वक दृढ़ संकल्प के साथ जब हम निरंतर अभ्यास करते रहेंगे, निरंतर अभ्यास करते रहेंगे तो पहुंच जाएंगे। मैंने होना कहा था ना, होना चेतनम होना, उसी को ही योग दर्शन में महर्षि पतंजलि ने कहा है तदा दृष्टु स्वरूपे अवस्थानम, तब दृष्टा चेतन की अपने स्वरूप में स्थिति होती है, और उसी को ही महर्षि पतंजलि ने योग दर्शन के अंतिम सूत्र में स्वरूप प्रतिष्ठा कहा है। योग दर्शन का अंतिम सूत्र है पुरुषार्थ शून्यानाम गुणानाम परपरत्वा कैवल्यम स्वरूप प्रतिष्ठा वाचि शक्ति रीति, चित शक्ति चेतना शक्ति का अपने में लौटना, स्वरूप प्रतिष्ठित हो जाना ध्यान है, कैवल्य हो गया। उसी के लिए हम लोगों को अभ्यास करना है, समय लगेगा परिश्रम लगेगा, लेकिन घबराने की आवश्यकता नहीं है। धीरे धीरे करते करते वो दफा आएगी, आ सकती है, ये विश्वास, ये खाली अनुमान नहीं है, अनुभव का विषय है। जितना हम परिश्रम करेंगे और जितना लगन से काम करेंगे दशा आएगी। बत्तियां बंद, थोड़ी देर सभी लोग सावधान होकर के ध्यान की मुद्रा में बैठे। अहम शुद्ध चैतन्य ज्ञान स्वरूपम् अजराहम अमराहम अखंडम अनूपम् अहम शुद्ध चैतन्य ज्ञान स्वरूपम् अजराहम अमराहम अखंडम अनूपम् अहम शुद्ध चैतन्य ज्ञान स्वरूपम् अजराहम अमराहम अखंडम अनूपम् अहम शुद्ध चैतन्य ज्ञान स्वरूपम् अजराहम अमराहम अखंडम अनूपम् अहम शुद्ध चैतन्य ज्ञान स्वरूपम् अजराहम अमराहम अखंडम अनूपम्